जी माशाल्लाह जी हैं। देखो जी अबू बकर तैयार हैं कैमरे बकरे नाल मस्तियां करन रहे हैं। पानी काफी दिन बाद आया मैं सोचा थोड़े जे कपड़े मैं धो लवा जी कपड़े वगैरह मैं धोले तो सी चार पाई काफी ज्यादा खराब हुई पी सी वाइट कलर दी सी ते बच्चा ने चीजा वगैरह करा दी है गंदी लग रही थी कपड़ा वगैरह ऊपर ना बिछाओ तो बच्चे चार पाइया बहुत ज्यादा गंदियां कर दी। मैं सोचा चलो जी इन वाटर सप्लाई के पानी धो दिता जाए कि दूसरा कड़वा पानी होंगे इन्नी जल्दी चीज़ा नहीं निकलदियाँ ना साफ ही होंगे तो ये इन्हें सिर्फ साबुन लगा के दो तीन मिनट से धुप जाएगा बुरश मारा तो यह धुप जाएगा। हाँ जी इस वास्ते हम सफाई कर ली थी पैक लगा के पानी डाल हम तो जी मंजा तो दिता से दोपहर टाइम तो हम सुक गया मीह फा मुके मैं हम कस के दबो इसते हूँ कपड़ा बिछा के सिलाई मार देंगे क्योंकि वाइट मंजा है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता हूँ मंजा किसान की फीस अदा करिए चाह बना के दईए इन्हों। हाँ जी मीर साहब हम बना के देने लगे हैं चाय का कप जी चाय बन गई माशाल्लाह जी हैं कुर्बानी का बकरा देखो तो मेरे बच्चों के काम देखो एक बकरा तो वास्ते पूरी छत दे पट्ठिया का खलाड़ देखो कोई ऐसा थान नहीं जिथे पट्ठे ना पे हो तो पानी ना पिया हो। हाँ जी मैं कपड़े उतार लवा सुबह तलाई किए थे सुक गए सारे दिन धुप ही पे रह गए डेली कपड़े चेंज करने पड़ने कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा और नहीं देखा शाम के छः बजे
समझ ही नहीं आ रही, दिल ही नहीं कर रहा जी के जाके सैलन वगैरह बना जाए, क्योंकि 6 बजे गैस आ जाती है, इस टाइम नाल सैलन वगैरह बनाना पैंदा। तो हूँ भी मैं फिर छत ही आई, क्योंकि जो किचन च बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी, फिर छत लाई वगैरह किचन तैयारी स्टार्ट कर लगे हम। तो जीटी वगैरह बनाने वास्ते फिर सारे तेल वगैरह लगा के बाकी सारे चीज़ आस्ता आस्ता किते पहले पहले उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह किचन तैयार करांगे ते ईजी कुकिंग इसी किचन विच करांगे। हाँ जी, मेरे नाल जिहड़े ओह अज बनाउण लगे आ गवारे दीआं फलियां ते गोश्त दी रेसिपी, क्योंकि मेरे साहब जिथे थोड़ी जी रह गई है, तो हूँ जिहड़ी जिहड़ी चीज़ पसंद होंगी लैंगे जी मैनूं खाण नूं बना दिओ, उत्थे जा के तैयार भी बना खाणी है। इस वास्ते मैं सोचा कि जो लिया बना लाँगे अज गवारे दीआं फलियां ते गोश्त लैके आए बना लगी। मैं चार्जिंग लगा के रखे, मैं घर लसन प्याज में बना लवा, बाकी देखो गुब्बारे दियाँ फलियां ते गोश्त वगैरह को रखा हो सारे के फलियां उबाल के ते दूध गर्म रख लिया, क्योंकि हवा बहुत तेज चलन डी, इस वास्ते फट्टी लानी पई मैनू के अग दा सेक लगे दूध नू। इधर गुवारे दियां फलियां ते गोश्त वगैरह रख लिया, फलियां देखो उबल गई है, हुण मैं मसाला वगैरह तैयार कर लवां। उधर दूध भी गर्म हो गया है, जी गोश्त दे विच गवारा पा लिया है, तो इन्हां नूं हुण हिला के थोड़ी देर दम दे के रख लाँगे, मुड़ के रोटी बना के ते मज़े मज़े नाल सारे खाने हैं। हाँ जी, वेखो गवारे दियां फलियां ते गोश्त, हुण असीं रोटी खा लईए। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, और दूसरी गल है कि सिर्फ तुहाडे कोल व्यूअर्स कोल यही फरमाइश है कि तुम जिन्ने भी मेरे सबसक्राइबर ने मेरी वीडियो अगे तक शेयर कर दिया करो, तो इन्नी दुआ करो कि अल्लाह ताला कुरबानी का जो जानवर लिया है कुरबानी साड़ी कबूल तो मनजूर फरमाए। तो तुहाडे तों चाहुंदी हां इजाजत, अल्लाह हाफिज़।